ओम शांति। प्रभा की साकार मुरली है, नवंबर 22, 2023। शिव बाबा के महावाक्य है। प्रभ दादा मधुबन प्रातः मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मणों का यह नया जाड़ है। मनुष्य सृष्टि की शुरुआत, नए जाड़ की रचना ब्राह्मणों के द्वारा होती है। बाबा आकर ब्राह्मणों की रचना करते हैं और नए जाड़ की जड़ ये ब्राह्मण है जो हम सब हैं, तो इसकी वृद्धि भी करनी है। तो हमारी ड्यूटी बन जाती है हमारे नए जाड़ की वृद्धि करना, तो संभाल भी करनी है, तो हमें उनकी पालना भी करनी है, टेक केयर भी करनी है, संभाल भी करनी है। क्यों? क्योंकि नए जाड़ को चिड़िया ये खा जाती है। छोटा जाड़ होता है तो चींटियाँ चिड़िया ये सब क्या करते हैं, खा जाते हैं, क्योंकि एकदम मुलायम होते हैं। लौकिक में भी हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी हम कितनी देखभाल करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये नया जाड़ है, उनकी भी क्या करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। कौन करेगा? हम बच्चे ही करेंगे जो बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। प्रश्न है, ब्राह्मण जाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? जो बाबा ने ऊपर जाड़ की बात की तो जो नए नए पत्ते हैं मुरझाते क्यों हैं, कारण और निवारण क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर है, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं? राज, रहस्य, राज, राजा, क्या बनाते हैं? राजा, क्या सुनाते हैं? रहस्य, किसका राजा? कर्मेंद्रियों का राजा बनाते हैं। वह न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। जो बाबा रहस्य सुनाते हैं, वंडरफुल रहस्य सुनाते, खाली रहस्य नहीं, वो समझ नहीं है, इसके कारण संशय होता है। संशय बुद्धि विनय शक्ति, इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। जैसे ही संशय उठा, धीरे धीरे पढ़ाई छूट जाती है। हम सब देखते हैं ना सबकी कंडीशन। तो कहने का मतलब उनका कोई फॉल्ट नहीं है, कोई दोष नहीं है। माया ऐसी है जो क्या करती है, संशय उत्पन्न कर देती है। क्यों? क्योंकि जो बाबा वंडरफुल राज सुनाते हैं वो समझते नहीं है। इसमें समझाने वाले बहुत बच्चे बहुत होशियार चाहिए। बाबा कहते जिम्मेवारी किसकी? हम बच्चों की है। एक दिन का बच्चा भी बाबा का क्या है? पुराना है। एक दिन का ज्ञान मिला वो भी पुराना है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये झाड़ को आगे बढ़ाने, ये झाड़ की सुरक्षा करने। इसलिए बाबा कहते हैं खास कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें निभाना है। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, जो पुराने हैं जो बड़े हैं उनसे पूछो। बाबा कहते हैं उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं। मान लो बड़ों से उत्तर नहीं मिला, उनको बार बार रिमाइंड किया तो भी कुछ नहीं होता, बाबा से पूछ लो, बाबा को चिटकी डाल दो। दूसरे दिन मुरली में उसका क्वेश्चन का आंसर आ ही जाता है। अव्यक्त होने के बाद बाबा की सेवा की स्पीड इतनी बड़ी है, खास करके 2017 के बाद, कि हम सोच भी नहीं सकते। एक संकल्प करो और बाबा उत्तर दे ही देता है। और जिस कार्य में या तो जिस एक्टिविटी में हम कम पड़ते हैं, हमें कोई ना कोई शक्ति कम होती है, तो बाबा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि हमें पावर भर देता है, पावरफुल बनाता है। इसलिए बाबा कहते हैं उत्तर नहीं मिलता, पहले तो बड़ों से पूछो, नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं। मगर संशय को अंदर नहीं लाना है। पहले हमारी ड्यूटी है, हम बच्चों की ड्यूटी है कि समझाना कोई संशय आ जाए, और जो संशय उठाते हैं उनकी ड्यूटी है बड़ों से पूछे,
और नहीं मिलता है बड़ों से उत्तर, तो घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, बाबा से पूछ लो। गीत है प्रीतम आन मिलो सजना, ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं। जब बाबा आते थे तब क्या होता था, पहले गीत बजता था, पहले की मुरलियों में ये टाइटल या तो सार जो हम कहते हैं मीठे बच्चे वाला, और क्वेश्चन आंसर होता नहीं था। यज्ञ की हिस्ट्री देख लो, पढ़ो तो पता चलेगा। बाबा आते थे, गीत बजता था, तुरंत ही बाबा मुरली चलाता था जो हम ओम शांति के बाद पढ़ते हो। ना सार था, ना क्वेश्चन आंसर था, ना अंत में सार आता है वो था, ना वरदान होते थे, ना स्लोगन होता था। इसलिए हमें क्या करना है, जो भी मुरली पढ़ते हैं उसे ख्याल रखना है, खास बिगिनिंग में हम गीत सुनाते हैं, फिर ये गीत को बजाना नहीं। हम देखते हैं जब हमारा सेंटर पर जब तमिल क्लास चलता है तो कोई कोई लोग ये गीत बजाते हैं, या तो काफ़ी सेंटरों पर, मगर वहाँ क्या होता है, पहले गीत बजता नहीं है सामान्यतः। इसलिए हमने पहले गीत बजा दिया, बाद में रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं। तो बाबा गीत के बारे में कहते, क्योंकि पहले सीधा ही गीत बजता था, कि गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं, तुम्हारे पास तो वह बैठे हैं। गीत गाने की बाबा कहते जरूरत नहीं है, मगर क्यों गीत बजाते हैं, क्यों म्यूजिक बजाते हैं, अपना सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा जागृत हो जाए, अवेकन हो जाए, पूरा का पूरा साइंटिफिक है ये। इसलिए बाबा कहते हैं गीत तो बहुत बार सुने हैं, भगवान को बुलाते हैं, और वो तो तुम्हारे सामने बैठे हैं, मतलब उसको गीत की जरूरत नहीं है, गीत की जरूरत हमें है, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो बरोबर दुखधाम से सुखधाम ले जाने वाला, सुखधाम का मालिक बतला रहे। कौन बताता है, पढ़ाने वाला कौन है? तो इतना जितना वो याद रखेंगे उतना ही नशा रहेगा कि मालिक बतला रहा है। वह आया हुआ है, तुम्हारे सामने बैठा हुआ है सम्मुख, और राजयोग सिखला रहा है। बाबा कहते हैं जब तक ये कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ेगी तब तक बाबा कहते हैं इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। इसलिए क्या ख्याल रहना चाहिए, वह आया हुआ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है, और राजयोग सिखला रहा है, मुरली वो सुना रहा है, निमित्त कोई भी बढ़ने वाला हो, हमें निमित्त से कनेक्शन नहीं करना है। खुद दादा के शरीर में बाबा आकर बोलता था, क्या कहता था, यही तो कहता था कि दादा नहीं सुना रहा। अभी तो ना दादा है ना दादी है, इसलिए सीधा ही कनेक्शन उससे रखना है, मगर बीच वाले जो है जरूरत पड़े तो उनसे पूछना भी है। बाबा का जो नॉलेज है बहुत ही डीप है, बाबा सब और से कवर कर लेते, कहीं भी बाबा गैप नहीं रखते। यह कोई मनुष्य का काम नहीं है, सिखलाने वाला कोई मनुष्य नहीं कर सकता, और हम सभी तो मनुष्य है। जब तक संपूर्ण नहीं बने तब तक मन वश है, इसलिए मनुष्य कहलाता है, मन के वश। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया, किसने सिखाया, हम नहीं सिखलाते, सिखलाना वाला वो है। मनुष्य मनुष्य को देवता बना नहीं सकते, सुन लो बराबर, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ये किसकी महिमा है? तो कहते पूछो जो गाते उनको, बाबा की मतलब परमात्मा की, आत्मा के पिता की। बरोबर देवताएं तो सत्युग में होते हैं, इस समय देवताएं होते ही नहीं, तो बनाने वाला कोई तो बीच में होगा ना, सीधा थोड़ा कूद पड़ेंगे देवताएं, कहाँ से आएंगे? तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा, कौन बनाएगा दूसरा? मनुष्य मनुष्य बना सकता है, मनुष्य देवता बना नहीं सकता। जैसे डॉक्टर बनाने वाला होगा तो डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर भी नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं। मनुष्य खुद देवता नहीं तो दूसरे को देवता कैसे बनाएगा? इसलिए मनुष्य को देवता बनाने वाला वो परमात्मा ही है।
परम पिता परमात्मा जीव जिसको शिव भी कहते हैं उनको यहाँ आना पड़े पतितों को पावन बनाने। क्या कहते हैं उनको? शिव कल्याणकारी। और शिव मतलब ज्योति, मतलब प्रकाश स्वरूप। उनको यहाँ आना पड़े क्यों? उनका नाम ही है पतित पावन, मतलब पतितों को पावन बनाने, मतलब पतित दुनिया में, मतलब यहाँ कलयुग के अंत में। अब वह आए कैसे? उनको शरीर नहीं तो कैसे आएगा? पतित दुनिया में श्री कृष्ण का तन भी मिल न सके, जो तो पावन दुनिया का प्रिंस है, वो यहाँ क्यों आएगा? उनको क्या जरूरत है आने की? इसलिए श्री कृष्ण का तन मिल न सके। मनुष्य तो मुंजे हुए हैं, श्री कृष्ण तो देवता है, इसलिए वो यहाँ आ नहीं सकता मनुष्य की सृष्टि में। अब तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, मतलब बाबा आकर अपना आत्मा का, अपना गॉड रियलाइजेशन, आत्मा का सेल्फ रियलाइजेशन और पूरे सृष्टि चक्र का, जिसको हिस्ट्री ज्योग्राफी वर्ल्ड रियलाइजेशन का पूरा ज्ञान सुनाता है। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। वह है सूक्ष्म वतन, वहाँ तो है मूवी, वहाँ कुछ नहीं है, टॉकी तो यहाँ है। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको तीन लोग कहते हैं, सब सुनाते। वो आता है इस दुनिया में, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ वो सुनाता है, दूसरा किसी की ताकत नहीं, किसी को पता ही नहीं तो वो क्या सुनाएंगे। जैसे ही दूसरा जन्म लिया, अगले जन्म की टेप पूरी की पूरी गायब हो जाती है, तो तीन लोग की तो बातों ही छोड़ो। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मठ पंथ है उनको झाड़ नहीं कहेंगे, बराबर सुनना, उनको झाड़ कहते, दूसरे को नहीं कहेंगे। फल क्रिश्चियन लोग है, वह जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन यह उनको पता नहीं है कि सभी टाल टालियाँ इस बड़े झाड़ से निकली हुई है। लॉर्ड क्राइस्ट आए, उसके पहले दुनिया चल रही थी, लॉर्ड क्राइस्ट पहले नहीं थे, उनके पहले कोई आदम था, कोई एडम था, कोई ब्रह्मा था, जिसके द्वारा दुनिया ऑलरेडी चालू थी, उसमें वो पधारा। इसलिए उनके धर्म से कोई झाड़ नहीं निकलता, उनके धर्म का झाड़ जरूर निकलता है, मगर वो जो मुख्य झाड़ है कल्प वृक्ष से, उनकी टाल टालिया है, वो उनको पता नहीं है। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी। माता पिता फिर बालक, वह भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे, अब देख सर थोड़े निकलेंगे, सब आहिस्ते आहिस्ते आएंगे। दो से चार पांच पत्ते होते हैं, फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती है, किसी को ज्ञान दिया, नया नया ज्ञान में आया, कुछ समझा नहीं, चला गया, चिड़िया खा गई माया। यहाँ भी चिड़िया खा जाती है माया। यह बहुत छोटा झाड़ है, ब्राह्मणों का झाड़ बहुत ही छोटा था ना तब तो। धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे जैसे पहले पाया है, कल पहले भी इसी रीति से वृद्धि हुई थी। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है? तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ हो, अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी नाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, वो तीनों तीन कालों को जानते नहीं हैं, वो तीनों लोगों को भी जानते नहीं हैं, इसलिए उनको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिकालदर्शी कहते हैं, जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी, किसी को भी ज्ञान दिया वो आपकी प्रजा बनेगी, कोर्स कराने वाले की बात नहीं, मुरली सुनाने वाले की बात नहीं, जो पहला ज्ञान देते कोर्स कराने वाले से कनेक्ट कराते उनकी बात है, उनकी प्रजा बनेगी।
अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी, दोनों बनाना है। वारिस मतलब धीरे धीरे पालना, देकर आगे बढ़ाना है, पहले आप जैसा फिर बाप जैसा, उसको कहते वारिस। और प्रजा भी बनानी है, ज्ञान देना है, नहीं आगे बढ़े तो प्रजा तो बनी जाएगी। तो यह बुद्धि में होना चाहिए, हम त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोगों को जानने वाले। ये बातें बड़ी वंडरफुल है। बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते। किसका दोष है? बच्चों का दोष है। कंस्ट्रक्शन की जगह डिस्ट्रक्शन हो जाता है। क्यों? बाबा कहते बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते, संशय आ जाता है नए बच्चे को, क्योंकि समझा हम नहीं सकते, हमारी गलती है। किसकी? पुराने वालों की। इसलिए बाबा कहते कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन, निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते, मतलब संशय बुद्धि बना देते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते, खुद भी छोड़ देते कभी कभी। संशय बुद्धि आ गया, हम कहेंगे कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, बीती सो बीती देखो। कोई चला गया, उनको समझाया फिर भी नहीं आया, तो बाबा कहते कल पहले भी ऐसे हुआ था, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, वी कैन नॉट चेंज द पास्ट, वी कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट। अब तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो, बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं, दुनिया में देखो। भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं, भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क कर दिया है। क्यों? सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारत से निकला है, परमात्मा ज्योति प्रकाश स्वरूप है, उसका ज्ञान भी भारत से ही निकला। धीरे धीरे भारत ने भक्ति चालू की, धीरे नीचे उतरते गए, सब ने उनकी कॉपी की। इसलिए बाबा ने कहा भारत ने ही अपना बेड़ा घर किया, किसी और ने नहीं किया। अब तुम बच्चे खास भारत को आम दुनिया को सलवेज करते हो, छुड़ाते हो। यह दुनिया का चक्कर फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नर्क नीचे होगा, हम सतयुग में होंगे तो नर्क नीचे, मतलब पृथ्वी के नीचे नहीं, यहाँ नहीं होगा। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़ी है, सूर्यास्त होता है तो कहते नीचे चला गया, मगर जाता थोड़ी है। समझते हैं द्वारिका आदि डूब गई, मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है ने? अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं लासन की मुली, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, खुशी ही ब्राह्मण जीवन का सांस है। क्या क्या बाबा ने खुशी के बारे में बताया था, पढ़ना फिर से। दुख के समय तो लॉटरी मिल रही है, दुख नहीं होता तो परमात्मा के ज्ञान की लॉटरी मिल नहीं सकती, परमात्मा खुद मिल नहीं सकता, देवताओं को मिली हुई है ज्ञान पूरा का पूरा, किसका? आत्मा का। यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं, कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है, कितने सत्संग साईं बाबा आदि के है, बहुत दुकानदारी है। भक्ति का इतना बड़ा विस्तार है, इसको बाबा कहते हैं पैराफर्नलिया ऑफ द डिवोशन, बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ी दुकानदारी है। यह तो एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारियों की, जो अंत में एक ही बचेगी, बाकी सबके ध्वज गिरेंगे। जगत अम्बा है ब्रह्मा की मुखवंशावली, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है, उनकी युगल नहीं है। तुम जानते हो मात पिता से हमें सुख कनेरे मिले थे, अब वह मात पिता मिला हुआ है, बहुत सुख गनेरे दे रहे हैं। अच्छा, मात पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। हमको रतन शिव बाबा से मिलते हैं, तुम हो गए पोत्रे। मात पिता कौन है? मम्मा बाबा, मगर ब्रह्मा बाबा मम्मा, और हम गए उनके, हो गए उनके बच्चे, मतलब पोत्रे।
हम हब सुख घनेरे उस बेहद के बाप से ब्रह्मा सरस्वती मात पिता द्वारा ले रहे। देने वाला वह है, माता पिता नहीं है, दादे का वर्षा है। कितनी सहज बात है, फिर समझाना है क्या? हम इस भारत को स्वर्ग बना दें, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे। इस भारत के सेवक ठहरे, तन मन धन से हम सेवा कर दें। दूसरों का तन मन धन नहीं लेना है, हमारा ही लगाना है। गांधी को भी मदद करते थे ने, तुम समझा सकते हो? यादव कौरव पांडव क्या करते थे, दूसरे को तो पता ही नहीं। पांडवों की तरफ तो है परम पिता परमात्मा, दिखाए कैसे? तो कृष्ण को दिखा दिया। पांडव है विनाश काले प्रीत बुद्धि, कौरव और यादव है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं, कौन विपरीत बुद्धि वाले मानेंगे नहीं? कौरव और यादव ठिक कर भीतर में ठोक देते, सर्वव्यापी कहना। तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत नहीं, उनके मतलब परमात्मा के सिवाय। तो बहुत हर्षित रहना चाहिए, नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक में संडे की मुरली, बाबा ने शुरुआत मुरली की खुशी से की थी, फिर धीरे धीरे बाबा डीप में ले गया। पहले खुशी से शुरुआत की थी पूरी मुरली की। क्या था? मुक्ति, बराबर है। जो मुरली का जो मेन था, धीरे धीरे करके बाबा अंदर ले गया कि क्या व्यर्थ की मुक्ति कैसे हो जब बेहद का वैराग्य हो। जब तक वैराग्य नहीं तब तक, बाबा कहते हैं, व्यर्थ से मुक्ति हो नहीं सकती। व्यर्थ से मुक्ति माना फुल ऑफ नॉलेज, नॉलेज फुल। संडे की मुरली, बच्चे तो बहुत है ने, तो माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। हमारे में भी कोई पद्मा पद्म भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली भी। चार कैटेगरी, पद्मा पद्म भाग्यशाली, महाराजा महारानी, सौभाग्यशाली राजा रानी, भाग्यशाली उनके नीचे, दुर्भाग्यशाली जो प्रजा, जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं तो उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई ना कोई कारण से बाप को फारगति दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, समझते हैं शिक्षा दो तो कहाँ फारगति न दे देवे। बाप मीठा है क्या, समझता है? बहुत ध्यान रख के ज्ञान देता है बाबा, समझा हमें भी क्या है? बहुत ही ध्यान देकर ज्ञान देना है, किसी की भावना को ठेस न पूछे। बाबा कहते सांप भी मरे अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाए खानी पड़ेगी। उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंद कठोर न पाए। गुरु नहीं है, सतगुरु की बात है, परमात्मा की बात है, गुरुओं की बात नहीं है जिन्होंने अपने पर ले लिया। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया है। अबलावों को पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे, लास्ट वीक सुना होगा, बोला जिसमें कोई बल नहीं रहा। पुरुष मतलब आत्मा है ना, आत्मा आत्मा की बात है। बाबा कहते मैं तो टीचर सर्वेंट हूँ ने, क्या हूँ? टीचर भी हूँ, सेवक भी हूँ। टीचर के पास धोकर पीते हैं क्या, पांव धोकर पीते हैं क्या? बच्चे जो मालिक बनने वाले, क्या हम उनसे पांव धुलाओ? नहीं, गाया भी जाता का निराकारी निरअहंकारी। ब्रह्मा बाबा के लास्ट तीन शब्द, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी। यह भी ब्रह्मा भी उनके संग में निरअहंकारी बन गया। अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है, कलप पहले भी अत्याचार हुए थे, रक्त की नदियां बहेगी। सुनो क्या होने वाला है, पाप का घड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते, तुम जानते हो क्या? हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते, हम तो सूर्यवंशी बनेंगे।
2 करोड़ के अंदर अवश्य आना है, बिगिनिंग में 9 लाख के अंदर आना है, वो सब सूर्यवंशी है। उसके अंदर तब कहते 108 8, इसमें हिम्मत भी चाहिए। अगर मुंह देखते रहो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है, कहाँ देखना है, ज्ञान दर्पण में हमारा मुंह देखना, दूसरों का नहीं। कोई भी बात न समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। क्वेश्चन पूछना है संशय मिटाने के लिए। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती तो फिर बाबा से पूछो। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की है, जहाँ तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। आगे बताया ना, बिगिनिंग में ही चिट्ठी डालो बाबा को, दूसरे दिन मुरली में आ जाएगा। अच्छे अच्छे बाबा का एवरी थर्सडे का मैसेज सुनो, लेटेस्ट कंडीशन बाबा बताता है। बोलो अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे, या तो बोलो यह बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं। हमारा अहंकार नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है तो बोलो, आगे चलकर समझाएंगे, फिर पूछना। बाबा उसका एग्जांपल भी देता है, बहुत पॉइंट्स निकलती रहती है। देखो बाबा एग्जाम्पल क्या देता है, कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा, बाबा त्रिकालदर्शी है, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं है। साकार मुरली है, बाद में काफ़ी मुरलियों में बाबा ने क्लियर किया है कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो अभी बताया ना, रक्त की नदियाँ बहेगी, पाप का गढ़ा भरेगा, तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेंगे, कल्प पहले अत्याचार हुए थे वैसे ही होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं समझा सकते हैं, परंतु बोल दो पता नहीं है तो हमने बाबा ने भी सुनाया नहीं है, बतलाएंगे तो बड़ों से पूछकर बतलाएंगे। अर्जी हमारी, मर्जी उनकी, बाबा की, अपने से अपने को छुड़ा लेना चाहिए, अहंकार में नहीं आना चाहिए, झूठ नहीं बताना है किसी को। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर वह ज्ञान डांस करता होगा, कोई स्थूल डांस की बात नहीं। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको यह संकल्प होगा, कब, जब द्वापर होगा कलयुग के अंत तक, हमको भारत में संगम युग पर जाकर बच्चों को यह राजयोग सिखलाना है, स्वर्ग का मालिक बनाना है। क्वेश्चन देखो, तीसरा, यह संकल्प उठेगा व जब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। बाबा आंसर दे रहे, विचार है यह संकल्प नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बल उसमें ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता है जब आने का समय होता है, यहाँ आने का। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पार्ट मर्ज है ना। हमारी बात चलो, बाबा की बात छोड़ दो, हमारी बात सुनो, हमारी बात को सोचो, तो 84 जन्मों का पार्ट मर्ज है, मगर हमें याद नहीं रहता, संकल्प नहीं आता। जब जन्म होता है अगले जन्म का कुछ नहीं, अभी तो बाबा ने ज्ञान दिया है तो होता है, बाकी नहीं होता है, क्योंकि क्लियरिटी है भी। गाया भी जाता है, भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब संकल्प उठेगा ने चलेगा ने। यह भी ड्रामा में बंधाईमान है, ये बहुत गुह्य बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास है 13 जनवरी 1969, बाबा को संपूर्ण होने के कितना दिन, 6 8 5 दिन, 13 + 5 18। तो सुनो रात्रि का, पहले बाबा 2 बार आते थे, सुबह में मुरली सुनाते थे, रात्रि को बाबा क्लास कराते। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाप पूछते, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो, फिर विश्व की बादशाहों को याद करते हो, दूसरा प्रश्न, बेहद के बाप का नाम शिव है, फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं, भाषा अलग अलग है, कोई खुदा कहता है, नूर कहता है, अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, क्रिएटर सस्टेनर और डिस्ट्रक्टर। जैसे बाबा एग्जांपल देते हैं, बम्बई में बबुलनाथ कहते हैं क्योंकि वह कांटों को फूल बनाते हैं, सतयुग में है फूल, यहाँ सभी है कांटे, कांटे मतलब
सतयुग में है, निर्विकारी यहाँ है विकारी। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? बाबा कहते चार लिखो, उनका नाम ही है शिव कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सतयुग में पाप होते ही नहीं। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप कराने वाले हैं पांच विकार। सतयुग में रावण होता ही नहीं, रावण है विकार। यह है सारी दुनिया का दुश्मन। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य सभी दुखी तमो प्रधान है। तब तो कहते हैं क्या, बच्चों माँ में कम याद करो। यह गीता के अक्षर है। बाप खुद कहते हैं देह सहित सभी संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। इसको ही कहते हैं मन मनाभव। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे सतयुग त्रेता, फिर रावण के बंधन में आए हो द्वापर कलयुग, फिर अभी सुख के संबंध में आना है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते, बाकी कोई युग में बाबा आता ही नहीं। बाप खुद कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ, इस शरीर में प्रवेश किया है क्यों? तुमको समझाने के लिए। बाप कहते हैं पवित्र बनने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकते हो। अब पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते उनको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अच्छी पूजा थी। अभी मैं पतित पावन हूँ तो मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, 63 जन्मों के पाप। सन्यासी कब राजयोग सिखा न सके, बाप ही सिखला दे। वास्तव में यह शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते और ब्रह्म को याद करते हैं। अभी बाप कहते सर्व का सदगति दाता मैं हूँ, इसलिए मुझे याद करो तो तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने, जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही उच्च पद देवी राजधानी में पाएंगे। अल्फ है एक बाप अल्लाह, रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता। वह है सदैव का बाप जो बेहद का वर्षा देता है। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सभी आत्माएं वापस घर चली जाएगी। मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति अक्षर ही है शांति धाम सुख धाम के। बाप के याद बिगर घर जा नहीं सकेंगे। आत्मा को पवित्र जरूर बनना है। यहाँ सभी है नास्तिक, क्यों? बाप को नहीं जानते। तुम अभी आस्तिक बनते हो क्योंकि हम जानते हैं। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, अभी विनाश काल है नहीं, चक्र जरूर फिरना है। विनाश काले जिसकी जिनकी बुद्धि प्रीत बुद्धि है वह है विजयंती। बाप कितना सहज कर सुनाते हैं परंतु माया रावण भुला देती। अभी इस पुराने दुनिया का अंत है, वह है अमरलोक, वहाँ काल होता नहीं। बाप को कहते आओ साथ में, हम सभी को ले चलो तो काल ठहराने, एक साथ ले चलो। सत्युग में कितना छोटा जाड़े, अभी बहुत बड़ा जाड़े। ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है नहीं। वहाँ न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर है, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है, स्थूल सूक्ष्म मूल है न तीन दुनिया। सूक्ष्म वतन में है मूवी, यह समझने की बात है। यह गीता पाठशाला है जहाँ तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो जरूर शिव बाबा ही याद आएंगे ने? अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, हम बच्चों की भी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे पहले पॉइंट, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरण कर सदा खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप दादा समान निराकारी और निरअहंकारी बनना, हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है, योग बल से बादशाही लेनी। वरदान,
कर्म करते शक्ति स्थाली स्टेज पर स्थित हो कर्मयोगी, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्मयोगी भव। कैसे कर्मयोगी बनना है? कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित होना है और रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराना। तो बाबा समझाते हैं, आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी हो। सेवा कर्म है, कर्म सेवा है। तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो कि यह काम तो हाथ से कर रहे, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित है। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, चाहे खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः आकर्षित करेगी। स्लोगन, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस। अच्छा, ओम शांति।